जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 11वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है देवासुर संग्राम की समाप्ति। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार मोहिनी रूप भगवान ने सब देवताओं को अमृत पिलाया था और उसके पश्चात देवताओं और दैत्यों में युद्ध प्रारंभ हो गया था। उसमें श्रीहरि भगवान विष्णु जी देवताओं की सहायता करने के लिए आ गए थे। अब उससे आगे की कथा। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, परम पुरुष भगवान की हेतु की कृपा से देवताओं की घबराहट जाती रही, उनमें नवीन उत्साह का संचार हो गया। सब देवता प्रसन्न हुए हैं क्योंकि भगवान आज स्वयं देवताओं की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में आए हुए हैं। सब देवताओं और दैत्यों में युद्ध हो रहा है। परम ऐश्वर्यशाली इंद्र ने बलि से लड़ते लड़ते जब उन पर क्रोध करके वज्र उठाया तब सारी प्रजा में हाहाकार मच गया। बलि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर बड़े उत्साह के साथ युद्ध भूमि में आकर निर्भयता से डटकर विचर रहे थे। उनको अपने सामने ही हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र ने उनका तिरस्कार करके कहा कि हे मूर्ख, जैसे नट बच्चों की आंखें बांधकर अपने जादू से उनका धन ऐंठ लेता है, वैसे ही तू माया की चालों से हम पर विजय प्राप्त करना चाहता है। लेकिन तुझे पता नहीं कि हम लोग माया के स्वामी हैं, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो मूर्ख माया के द्वारा स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं और उसको लांग कर ऊपर के लोकों में अपनी धाक जमाना चाहते हैं, उन लुटेरे मूर्खों को मैं उनके पहले स्थान से भी नीचे पटक देता हूँ। हे ना समझ, तूने माया की बड़ी बड़ी चालें चली हैं। देख, आज मैं अपने 100 धार वाले वज्र से तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। तू अपने भाई बंधुओं के साथ जो कुछ कर सकता हो सो करके देख ले। देवराज इंद्र की इस बात को सुनकर राजा बलि ने कहा, हे इंद्र, जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं उन्हें जीत या हार, यश या अपयश अथवा मृत्यु मिलती ही है। इसी से ज्ञानी जन इस संसार को काल के अधीन समझकर ना तो विजय होने पर हर्ष से फूल उठते हैं और ना तो अब कीर्ति हार अथवा मृत्यु से शोक कहीं वशीभूत होते हैं। तुम लोग इस ज्ञान से अनभिज्ञ हो। तुम लोग अपने को जय पराजय आदि का कारण कर्ता मानते हो, इसलिए महात्माओं की दृष्टि से तुम शोचनीय हो। तुम्हारे वचनों को हम स्वीकार नहीं करते, फिर हमें दुख क्यों होने लगा। श्री सुखदेव जी महाराज इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि वीर बलि ने इंद्र को इस प्रकार फटकार दिया। बलि की फटकार से इंद्र कुछ झेप गए। तब तक वीरों का मान मर्दन करने वाले बलि ने अपने धनुष को कान तक खींच खींच कर बहुत से बाण मार दिए। सत्यवादी देव शत्रु बलि ने इस प्रकार इंद्र का तिरस्कार किया। अब तो इंद्र अंकुश से मारे हुए हाथी की तरह और भी चिढ़ गए। बलि का आक्षेप वे सहन नहीं कर सके। शत्रुघाती इंद्र ने बलि पर अपने अमोघ वज्र का प्रहार किया। उसकी चोट से बलि पंख कटे हुए पर्वत के समान अपने विमान के साथ पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। बलि का एक परम मित्र जम्बासुर था। अपने मित्र के गिर जाने पर उनको मारने का बदला लेने के लिए वह इंद्र के सामने आकर खड़ा हुआ। सिंह पर चढ़कर वह देवराज इंद्र के पास पहुंच गया और बड़े वेग से अपनी गदा उठाकर उनके जत्रु स्थान हंसली पर प्रहार किया। साथ ही उस महाबली ने एरावत हाथी पर भी एक गदा जमाई। गदा की चोट से एरावत को पीड़ा हुई। उसने व्याकुलता से घुटने टेक दिए और उस समय वो मूर्छित हो गया। उसी समय इंद्र का सारथी मातली 1000 घोड़ों से जुता हुआ रथ लेकर आया
और शक्तिशाली इंद्र ए रावत को छोड़कर तुरंत रथ पर सवार हुए हैं। दानव श्रेष्ठ जंब ने रणभूमि में मातली के इस काम की बड़ी प्रशंसा की और मुस्कुराकर चमकता हुआ त्रिशूल उसके ऊपर चला दिया। मातली ने धैर्य के साथ इस असहनीय पीड़ा को सह लिया। तब देवराज इंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से जंब का सिर काट डाला। देवऋषि नारद जी से जंबासुर की मृत्यु का समाचार जानकर उसके भाई बंधु नमुची बल और पाक झटपट रणभूमि में आ पहुंचे। अपने कठोर और मर्मस्पर्शी वाणी से उन्होंने इंद्र को बहुत कुछ बुरा भला कहा और जैसे बादल पहाड़ पर मूसलाधार पानी बरसाते हैं वैसे ही उनके ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। उस समय बल ने बड़े हस्त लाघव से एक साथ ही 1000 बाण चलाकर देवराज इंद्र के 1000 घोड़ों को घायल कर दिया। पाक ने 100 बाणों से मातली को और 100 बाणों से रथ के एक एक अंग को छेद डाला। युद्ध भूमि में यह बड़ी अद्भुत घटना हुई कि एक ही बार इतने बाण उसने चढ़ाए और चलाए। नमुची ने बड़े बड़े 15 बाणों से जिनमें सोने के पंख लगे हुए थे इंद्र को मारा और युद्ध भूमि में वह जल से भरे बादल के समान गरजने लगा। जैसे वर्षा काल के बादल सूर्य को ढक लेते हैं वैसे ही असुरों ने बाणों की वर्षा से इंद्र और उनके रथ तथा सारथी को भी चारों ओर से ढक दिया। उस समय इंद्र को ना देखकर देवता और उनके अनुचर अत्यंत व्यल होकर रोने चिल्लाने लगे। एक तो शत्रुओं ने उन्हें हरा दिया था और दूसरे अब उनका कोई सेनापति भी नहीं रह गया था। उस समय देवताओं की ठीक वैसी अवस्था हो रही थी जैसे बीच समुद्र में नाव टूट जाने पर व्यापारियों की होती है, परंतु थोड़ी ही देर में शत्रुओं के बनाए हुए बाणों के पिंजड़े से घोड़े रथ ध्वजा और सारथी के साथ देवराज इंद्र निकल कर आए हैं। जैसे प्रातःकाल सूर्य अपनी किरणों से दिशा आकाश और पृथ्वी को चमका देते हैं वैसे ही देवराज इंद्र के तेज से सब के सब जगमगा उठे। उस समय वज्रधारी इंद्र ने देखा कि शत्रुओं ने रणभूमि में हमारी सेना को रौंद डाला है। तब उन्होंने बड़े क्रोध से शत्रुओं को मार डालने के लिए वज्र से आक्रमण किया। हे राजा परीक्षित, उस 8 धार वाले पैने वज्र से उन दैत्यों के भाई बंधुओं को भी भयभीत करते हुए उन्होंने बल और पाक के सिर काट लिए। हे राजा परीक्षित, अपने भाइयों को मरा हुआ देखकर नमुची को बड़ा दुख हुआ। उस समय क्रोध के कारण आपे से बाहर होकर देवराज इंद्र को मार डालने के लिए जी जान से वो प्रयास करने लगा। हे इंद्र, अब तुम बच नहीं सकते। इस प्रकार ललकारते हुए एक त्रिशूल उठाकर वह देवराज इंद्र पर टूट पड़ा। वह त्रिशूल फौलाद का बना हुआ था, सोने के आभूषणों से विभूषित था और उसमें घंटे लगे हुए थे। उस समय नमुची ने क्रोध के मारे सिंह के समान गरज कर इंद्र पर वो त्रिशूल चला दिया। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, इंद्र ने देखा कि त्रिशूल बड़े वेग से मेरी ओर आ रहा है। उन्होंने अपने बाणों से आकाश में ही उसके 1000 टुकड़े कर दिए और इसके बाद देवराज इंद्र ने बड़े क्रोध से उसका सिर काट लेने के लिए उसकी गर्दन पर वज्र मार दिया। यद्यपि इंद्र ने बड़े वेग से वह वज्र चलाया था परंतु उस यशस्वी वज्र से उसके चमड़े पर खरोंच तक भी नहीं आई। ये बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई कि देवराज इंद्र के जिस वज्र ने महाबली वृत्रासुर का शरीर टुकड़े टुकड़े कर डाला था, नमुची के गले की त्वचा ने उसका तिरस्कार कर दिया। जब वज्र नमुची का कुछ नहीं बिगाड़ सका तब देवराज इंद्र उससे डर गए। वे सोचने लगे कि देव योग से संसार भर को संशय में डालने वाली यह घटना कैसे हो गई। पहले युग में जब ये पर्वत पंखों से उड़ते थे और घूमते फिरते भार के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ते थे, तब प्रजा का विनाश होते देखकर इसी वज्र से मैंने उन पहाड़ों की पंखे काट डाली थी। त्वष्टा की तपस्या का सार ही वृत्रासुर के रूप में प्रकट हुआ था
उसे भी मैंने इसी वज्र के द्वारा काट डाला था। और भी अनेकों दैत्य जो बहुत बलवान थे और किसी भी अस्त्र और शस्त्र से जिनके चमड़े को भी चोट नहीं पहुंचाई जा सकी थी, इसी वज्र से मैंने उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया था। वही मेरा वज्र मेरे प्रहार करने पर भी इस तुच्छ असुर को नहीं मार सका, अतः अब मैं इसे अंगीकार नहीं कर सकता। यह ब्रह्म तेज से बना है तो क्या हुआ, अब तो निकम्मा हो चुका है। इस प्रकार इंद्र विषाद करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, यह दानव ना तो सूखी वस्तु से मर सकता है ना गीली से। इसे मैं वर दे चुका हूँ कि सूखी या गीली वस्तु से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए हे देवराज इंद्र, इस शत्रु को मारने के लिए अब तुम कोई दूसरा उपाय सोचो। उस आकाशवाणी को सुनकर देवराज इंद्र बड़ी एकाग्रता से विचार करने लगे। सोचते सोचते उन्हें सूझ गया कि समुद्र का फैन तो सूखा भी है और गीला भी है, इसलिए न तो उसे सूखा कह सकते हैं और न गीला कह सकते हैं। अतः देवराज इंद्र ने उस न सूखे और न गीले समुद्र फैन से नमुची का सिर काट डाला। उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान इंद्र पर पुष्पों की वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे। गंधर्व शिरोमणि विश्वावसु तथा परावसु गान करने लगे हैं। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी हैं और उस समय सब नर्तकियां आनंद से नाचने लगी हैं। इसी प्रकार वायु अग्नि वरुण आदि दूसरे देवताओं ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों से विपक्षियों को वैसे ही मार गिराया जैसे सिंह हरिणों को मार डालते हैं। हे राजा परीक्षित, इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का तो सर्वथा नाश हुआ जा रहा है, तब उन्होंने देवऋषि नारद जी को देवताओं के पास भेजा और देवऋषि नारद जी ने वहां जाकर देवताओं को लड़ने से रोक दिया। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं, हे देवताओं, भगवान की भुजाओं की छत्र छाया में रहकर आप लोगों ने अमृत प्राप्त कर लिया है और लक्ष्मी जी ने भी अपनी कृपा कोर से आपकी अभिवृद्धि की है, इसलिए आप लोग अब लड़ाई बंद कर दें। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि देवताओं ने देवऋषि नारद जी की बात को मानकर अपने क्रोध के वेग को शांत कर लिया और फिर वे सब के सब अपने लोक स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय देवताओं के अनुचर उनके यश का गान कर रहे थे। उस समय युद्ध में बचे हुए दैत्यों ने देवऋषि नारद जी की सम्मति से वज्र की चोट से मरे हुए बलि को लेकर अस्ताचल की यात्रा की। वहां शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से उन असुरों को जीवित कर दिया। जिनके गर्दन आदि अंग नहीं कटे थे वो बच रहे थे। शुक्राचार्य के स्पर्श करते ही बलि की इंद्रियों में चेतना और मन में स्मरण शक्ति आ गई। बलि है बात समझते थे कि संसार में जीवन मृत्यु जय पराजय आदि उलट फेर होते ही रहते हैं, इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से किया है। आज की इस कथा के अंतिम प्रसंग में बड़ी सुंदर बात पता चलती है कि ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी को सब देवताओं के पास भेजा है और देवऋषि नारद जी ने सब देवताओं को समझाया है कि अब युद्ध करने से कोई लाभ नहीं है, आप तो अमर हो, इसलिए अब असुरों को मारने से आपको कोई लाभ नहीं है। उस समय सब देवताओं ने देवऋषि नारद जी की बात को मान लिया। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि अपने से बड़े, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हों, बड़े बूढ़े हों या कोई हमारे गुरु महाराज हों, अगर वो हमें किसी बात की आज्ञा दें, कुछ हमें समझाएं, तो उस बात को मान लेना चाहिए। हमारे घर परिवार में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके सारे जीवन का अनुभव होता है, वो उसी अनुभव के आधार पर हमें कुछ बात समझाते हैं और गुरु महाराज जो हमारे ऊपर सदा कृपा करते हैं वो भी हमारे ऊपर दया दृष्टि करने के लिए हमें कुछ अगर समझाते हैं तो उनकी बात को मान लेना चाहिए, इसी में हम सबका भला है।
तो इस प्रकार मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 11वें अध्याय की कथा को आपने सुना। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। माता महालक्ष्मी का आपके घर में सदा के लिए वास हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय श्री देवऋषि नारद जी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।